हेलो, दिस इज डॉक्टर कमलेश शर्मा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, आरआर कॉलेज, अलवर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम टर्म्स एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन सर्किट एनालिसिस। द टर्म्स आर नेटवर्क, इम्पीडेंसेस, ब्रांच, नोड, मेश और लूप एंड सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेटवर्क। An electrical network is an interconnection of electrical components such as batteries, resistors, inductors, capacitors, switches and transistors. Network को जाल कहा जाता है। विभिन्न विद्युत चालक अवयवों तथा विद्युत स्रोत के संयोजन से बने तथा एक दूसरे से संबद्ध परिपथों के समूह को जाल कहते हैं। There are three types of network: four terminal network, three terminal network and two terminal network. In four terminal network, two terminals are for input and two terminals are for output. In three terminal network, one input terminal and one output terminal is joined, so we have three terminals. In two terminal network, the two output terminals are shorted and therefore we have two terminals. जाल तीन प्रकार के होते हैं, चतुर टर्मिनल जाल, त्रि टर्मिनल जाल और द्वि टर्मिनल जाल। चतुर टर्मिनल जाल में दो टर्मिनल्स इनपुट के लिए होते हैं और दो टर्मिनल्स आउटपुट के लिए। त्रि टर्मिनल जाल में इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल में से एक एक टर्मिनल को मिला दिया जाता है तथा इस प्रकार हमारे पास तीन टर्मिनल बचते हैं। द्वि टर्मिनल जाल में दो आउटपुट टर्मिनल्स को लघुपतित कर दिया जाता है तथा हमारे पास दो इनपुट टर्मिनल्स बचते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क classified on the basis of presence of source in the circuit. They are active network and passive network. Active network is the network in which source of electrical energy is present in the circuit, and passive network is the network in which there is no source of electrical energy in the circuit. विद्युत स्रोत की उपस्थिति को देखते हुए जाल को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, सक्रिय जाल, निष्क्रिय जाल। सक्रिय जाल में ऊर्जा स्रोत उपस्थित रहते हैं जबकि निष्क्रिय जाल में कोई भी ऊर्जा स्रोत उपस्थित नहीं होता। इंपेडेंसेस, लीनियर इंपेडेंस। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंपेडेंस इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स देन सच एन इंपेडेंस इज कॉल्ड लीनियर इंपेडेंस। लीनियर इंपेडेंस को रेखीय प्रतिबाधा कहा जाता है। यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच वक्र खींचा जाए और वह वक्र सरल रेखा प्राप्त हो तो इस प्रकार की प्रतिबाधा को रेखीय प्रतिबाधा कहा जाता है। जैसे प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L, संधारित्र C, ये रेखीय प्रतिबाधाओं के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन डायोड, ट्रांजिस्टर्स और विभिन्न अर्धचालक के जो डिवाइसेस होते हैं वे रेखीय प्रतिबाधाएं नहीं होती। बायलेटरल इंपेडेंसेस। If the current flowing through an impedance remains unchanged by reversing the direction of current through an impedance, it is called bilateral impedance. यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा की दिशा को बदल दिया जाए तो प्रतिबाधा का मान यदि अपरिवर्तित रहता है तो उसे द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। जैसे प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L, धारिता C, ये सब द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं हैं, लेकिन डायोड, ट्रांजिस्टर्स आदि द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं नहीं है। ब्रांच। द पार्ट ऑफ द नेटवर्क इन विच करंट इज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड ब्रांच। ब्रांच को शाखा कहा जाता है। किसी जाल में जाल का वह भाग अथवा धारा का वह पथ जिसमें किसी धारा का मान नियत रहता है उसे जाल की शाखा कहते हैं। इन दिस डायग्राम दिस इज अ ब्रांच, यह शाखा है। This is not a branch, यह शाखा नहीं है। Node, node is a point in a network at which lines or branch intersect or meet. Node को संधि कहा जाता है। किसी जाल में जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं, उसे संधि कहते हैं। इस चित्र में विभिन्न नोड बताए गए हैं। Loop और mesh. Loop is a closed path of current which may consist of many branches. Loop को पाश भी कहा जाता है। किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ
जो कुछ शाखाओं से मिलकर बना होता है उसे पाश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम ए सी डी बी ए इज अ लूप। सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। दीज टू टाइप ऑफ सोर्सेस आर फर्दर क्लासिफाइड एज आइडियल सोर्स एंड रियल सोर्स। विद्युत परिपथ में दो प्रकार के शक्ति स्रोत होते हैं, वोल्टता स्रोत तथा धारा स्रोत। ये दोनों प्रकार के स्रोत वास्तविक या आदर्श हो सकते हैं। वोल्टेज सोर्स, अ वोल्टेज सोर्स इज अ टू टर्मिनल डिवाइस दैट जनरेट्स एन आउटपुट वोल्टेज। आइडियल वोल्टेज सोर्स, an ideal voltage source can maintain the fixed voltage independent of the load resistance or the output current. आदर्श वोल्टता स्रोत, यदि किसी वोल्टता स्रोत में आंतरिक लोड उपस्थित न हो तथा उसके साथ जुड़े बाह्य लोड के किसी भी मान के लिए उस पर वोल्टता का मान स्थिर रहे तो उसे आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। Today we will discuss about some terms and fundamental concepts used in circuit analysis. The terms are network, impedances, branch, node, mesh or loop, and sources of electrical energy. Current source. A current source is a device that delivers an electric current which is independent of the voltage across it. Ideal current source. An ideal current source can supply the fixed current to the circuit independent of the load resistance. Adarsh dhara srot. वह धारा स्रोत जिसमें अनंत प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा हुआ माना जा सकता है उसे आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। समांतर क्रम में अनंत प्रतिरोध लगे होने का अर्थ है कि इस प्रकार के स्रोत से किसी बाह्य लोड के किसी भी मान के लिए इससे प्रवाहित धारा का मान स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। रियल करंट सोर्स, अ रियल करंट सोर्स कैन नॉट सप्लाई अनलिमिटेड करंट, इट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट लोड। वास्तविक धारा स्रोत, ऐसा धारा स्रोत जिसके समांतर क्रम में अनंत प्रतिरोध जुड़ा ना होकर परिमित मान का प्रतिरोध लगा हुआ होता है उसे वास्तविक धारा स्रोत कहते हैं। इस प्रकार के स्रोत से किसी बाह्य लोड में प्रवाहित धारा का मान बाह्य लोड के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।